विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जिला ऊना में हुई भारी वर्षा, बाढ़ व भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत मरवाड़ी गांव के आपदा ग्रस्त क्षेत्र जोहौ सधानी का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जो सधानी कॉजवे पक्की सड़क क्षतिग्रस्त होने से लगभग 11 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत जोहौ सधानी पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जब तक पुल का निर्माण नहीं होता तब तक बैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को शीघ्र सुविधा मिल सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नाबार्ड के तहत पुल निर्माण के लिए DPR तैयार करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऊना से अर्थ प्रकाश के लिए रोहित शर्मा की रिपोर्ट। अभी मैं कुछ तो स्पॉट जो है वहाँ जाऊँगा और अभी एक जगह हम जाके आए हैं अपने चैतन्य जी के चुनाव क्षेत्र में जो सधानी जो पुल है उसके टूटने से 11 जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया और मुझे खुशी इस बात की है कि ऊना जिला में जो भारी बरसात जो उन तिथियों में हुई उसमें जो नुकसान हुआ उसमें रेस्टोरेशन के काम बहुत स्पीडली हुए हैं, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे APH विभाग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो। प्रशासन ने बड़ी संजीदगी के साथ जो है उस समय में लोगों के साथ खड़े रहे। हमारे सम्माननीय विधायक और यहाँ से वो मुख्यमंत्री हैं वो भी लोगों के साथ खड़े रहे हैं, तो एक अच्छा संदेश जो है यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी दें इस समय इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के हर जिले में स्वयं जाकर रिलीफ के कार्यों को देखकर रिलीफ में जो अतिरिक्त जो साधन संसाधन है उसमें बढ़ोतरी करने में एक बहुत बड़ा काम जो है हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि सरकार खुले तौर पर इमदाद दे रही है और हमको उम्मीद है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है 12-13 हज़ार करोड़ के करीब है और केंद्र सरकार भी उसमें सहयोग करे। केंद्र से भी हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी आए, NHAI के चेयरमैन भी आए हैं और खुला जो है इमदाद होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की, ऐसा मैं मानता हूं। और राजनीति से ऊपर उठकर जो है सरकार हिमाचल प्रदेश की आज के समय में जो है इमदाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की इमदाद नहीं है, ये हिमाचल के लोगों की इमदाद है और जिसमें जो पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, टूरिज्म की दृष्टि से, फल की दृष्टि से, पुष्प उत्पादन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश आज जो है काफ़ी योगदान राष्ट्रीय संसाधनों में देता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर और सभी जगह कर भी रहा है। मेरा ज़िला तो जो है बड़ा विकट जिला है, वैसे भी एस्पिरेशनल है, वहाँ की तो तस्वीर ही कुछ और। तो ये कुछ बातें थी जो मैं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। आज जिला ऊना में आपदाग्रस्त क्षेत्र में जो फ्लड रेस्टोरेशन वर्क्स हैं उनकी समीक्षा बैठक करने जिला ऊना में विशेष रूप से पधारे माननीय स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का सर्वप्रथम मैं स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ पूरे जिला प्रशासन की ओर से और आपका स्वागत है। गगरेट के माननीय विधायक श्री चैतन्य शर्मा जी का, सिद्धपुर्णी विधानसभा से आए माननीय विधायक श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रजीव राणा जी और हमारे सभी जो अफसर साहिबान आए हुए सभी डिपार्टमेंट से आप सभी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा मेजर लॉस जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज का हुआ है सर, वो हमारे घरों का लॉस हुआ है सर, जिसमें पक्का हाउसेस 12, कच्चा 97,300 घर हुए हैं सर और काउ शेड्स का भी लगभग 182 का डैमेज, 140 सर तीन फ्रेमिंग वॉल्स, रेस्ट वॉल्स सर, करीब जहाँ हमारा फ्लैट है वहाँ फ्लैट पर खुल गया हमारा कॉज बेस कर सर, एच पर काफी हुआ करने की कोशिश, कम्प्लीटली वॉश आउट हो गई जी, चलो हमने रिस्टोर कर दिया सर, उसकी स्ट्रेंथनिंग करके वो चला दिया था, उठाना बेसिन ब्रिज बन रहा था सर हमारा, लोग कलवर्ट सर हमारी कुछ डैमेज हुई कोई 3.5 पूर्ण चार करोड़ की जी सर, 3 इंची साफ लेग्स 10 करोड़ ही 10 करोड़ बन जाता सर, तो हमारा
मतलब कोई प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम नहीं, अच्छा चला हुआ हमारे साथ। जी 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 सर, उसे मिल ही काफ़ी पैसा आ गया हमें, तो उसे हमारा जो एमरजेंसी जो भी स्पॉट से वो सर चली हुई थी, और बाय एंड लार्ज हमारा ओवरऑल जिला ठीक रहा सर। कोई सड़कें हमारी शोल बंद हुई दो दिन ऊना और अटोली कंस्टिट्यूएंसी को जोड़ता है सर, तो उसमें जो उसकी फाउंडेशन डेवलपर 2.23 करोड़ का सर। इसके अलावा सर जल शक्ति विभाग की सभी स्कीम्स उन दो दिनों में प्रभावित रही थी सर, उसमें लगभग 86.99 करोड़ कलेक्ट हुआ है सर सेंट्रल गवर्नमेंट से, लगभग 1300 करोड़ उसमें खर्च किए गए थे और पूरी नदी का तटीकरण किया गया सर। तो जो तटीकरण को देखता है वो स्मॉल रिवर फ्लड मैनेजमेंट का सर अलग से विंग है सर IPS का, क्योंकि जो तटीकरण जहाँ पे किया हुआ था वहाँ से वो बह गया है सर इस दौरान। 23 करोड़ का नुकसान बिजली बोर्ड को सर हुआ है पूरे जिले में। सर उस परिस्थिति में मनरेगा से चूँकि होना है तो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है 1,00,000 की, सरकार की इंटेंशन यह है कि मैक्सिमम जो है 1,00,000, और उससे आगे अगर बढ़ता है तो उसमें कन्वर्जेंस होगी, तो उस कन्वर्जेंस में बिलाइंग विधि भी आ सकती है, DCP भी आ सकता है, और भी दूसरा कोई अगर आप फंड है अवेलेबल तो आ सकता है। तो मेरा अपना ये मानना है, जहाँ तक मैंने आपके जिले में तो जो ये प्रेजेंटेशन देखी है, तो क्योंकि प्लेन है जिला सारा, पहाड़ी क्षेत्र कम है, सिर्फ बाहर से जो पानी आया खड्डों में उससे ये फ्लडिंग हुई, लोगों के घरों में पानी चला गया। अब वो जो खेत में पानी आएगा उसमें स्पेशल नॉर्म्स के हिसाब से फिर उसमें 2,000 रुपये पर बीघा का नॉर्म है, तो उसमें फिर कॉम्पनसेशन ही दे पाएंगे फिर उसमें, उसमें जितना भी एरिया रिपोर्टेड है इसमें जो जमीन बिल्कुल बोर्ड होगी उसमें सर ऐसी कोई ज़मीन तो रिपोर्टेड नहीं है जो बह ही गई हो, ऐसी नहीं है, और जो स्टैंडिंग क्रॉप था सर वो पानी के कारण खराब हो गया, 2-3 दिन की बारिश भी हो गई है उसमें। इसमें दो इशू हैं, जैसे ऊपर से फ्लड आया पहाड़ में, नीचे जमीन की साइड नहीं है, बंजर हो गया पहाड़ की जगह, जमीन की जगह नाला बन गया, अब उसमें कैसे शुरू होगी, जो मेरे क्षेत्र में जैसे टिकली पंचायत में अब यहाँ तो फ्लड आया तो मैं क्रॉप का डैमेज दे देंगे 2,000, उस जमीन जो जमीन ही चली गई सर एग्रीकल्चर और लैंड चली गई, तो उसको कैसे रिस्टोर करेंगे, दिस इज़ वेरी बिग चैलेंज। और उस आदमी के पास आदमी 5 बीघे ही जमीन है, आप दे सकते नहीं है 2 बीघे जमीन, सेफ्टी बहुत ज़्यादा थी, और उन दो दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ऐसा लग रहा, क्योंकि एरिए के अंदर स्कोप कम था, स्कोप वही है स्वाम वाला ही, उसमें चैनलाइजेशन नहीं होती तो शायद ज़्यादा नुकसान उतना ज़्यादा को होता। मेरा अपना ये मानना है कि इसको ऐसा स्टिक करके कोई फायदा नहीं है, मनरेगा में 1,50,000 में काम होता तो हो जाना चाहिए उसमें के पास। सर उसमें हमने सभी वीडियोस को बोल दिया कि लैंड डेवलपमेंट के नाम से उस वर्क को ले लें और उसमें 1,00,000 कर दें, वो हमारी तरफ से स्टैंडिंग डायरेक्शन है, और मैंने डायरेक्टर साहब के ध्यान में ला दिया था कि कल को इनको ये दिक्कत आ रही है कि क्योंकि गवर्नमेंट तो सर लिखित पे चलती है, इसका लेता अदरवाइज मैंने बोल दिया था आपने, और मेरे ख्याल वो 1,00,000 जो है मिनिमम है अभी तो कम्पनसेट हो रहा है, हमारे इलाकों में तो बहुत है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन।